इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी और मां ने पुलिस को जाकर इस मामले की शिकायत की है, जहां पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ कार्यवाही की है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची पिछले एक साल से अपने ही सौतेले पिता द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ की हरकत से परेशान थी। नाबालिग लड़की अपनी मां का घर ना टूटे और समाज में लाज शर्म के डर से इस प्रताड़ना को सह रही थी। आखिर में जब पिता की गलत हरकतें बढ़ती गई तो पीड़िता के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी मां को इस बारे में जानकारी दी। मां ने आखिर अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने दूसरे पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट एवं विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हाँ, वो घटना कुल संज्ञान में आया हुआ है। जो पीड़िता है उसकी माँ के द्वारा लेखी आवेदन दिया गया कि उसके जो सौतेले पति हैं उनके द्वारा मेरी बच्ची के साथ में गलत हरकत की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी और मारपीट भी की जा रही है। उसमें से तत्काल में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, पूछताछ में क्या बात है, कब से ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा था? वो लगभग छठवें महीने, पिछले साल की छठवें महीने से अक्सर ऐसी हरकतें करता था। लोक लज्जा के डर से इनके द्वारा शिकायत नहीं की गई थी, कल दिनांक को शिकायत की गई जिसमें से बच्ची की उम्र क्या, 15-16 साल बच्ची की उम्र है और बच्ची के भी स्टेटमेंट हो गए हैं, न्यायालय में भी स्टेटमेंट करवाए जाएंगे, प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। We'll be right back.